बैटरी 65 का अकाउंट वेरीफाई किस तरह करना है, मैं इसका कंप्लीट प्रोसेस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप ना कीजिए कि आपको पूरा प्रोसेस वेरीफाई करने का इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। मैं पहले तो आपको अपना अकाउंट बनाना होगा बैटरी 65 का। बैटरी 65 अकाउंट बनाने के बाद आपको माय अकाउंट में जाना होगा। माय अकाउंट में जाने के बाद वेरीफाई में जाना होगा। वेरीफाई में जाने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना होगा। मेरा पहले से ही एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई है, दूसरा डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट जाने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस जिस तरह मुझे अपलोड करने के लिए बैटरी 65 मांग रहा है, मुझे से अपलोड करना होगा। मुझे इसकी दो फोटो खींच के रखनी होंगी, आगे की और बैक की। और इसे अपलोड करना होगा। मेरा अकाउंट पहले से ही ऑलरेडी रेडी है। ये मेरा दूसरा अकाउंट है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि बैटरी 65 का अकाउंट वेरीफाई किस तरह करना है। पहले मेथड में आप आइडेंटिटी कार्ड डाल सकते हैं, जिस तरह आधार कार्ड, और दूसरे मेथड में आपको ड्राइविंग लाइसेंस डालना है, जिस तरह मैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मुझे बैटरी 65 मांग रहा है। मैंने ही पहले अपना आधार कार्ड डालकर, आइडेंटिटी कार्ड डालकर, जॉब कार्ड डालकर आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको आइडेंटिटी कार्ड में जो नाम और एड्रेस जो लिखा हुआ है वही आपको फिल करना होगा। अगर आप दूसरा नाम फिल करोगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो मैंने उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। इसमें मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि बैटरी 65 का अकाउंट वेरीफाई किस तरह करना है। और अगर मुझे आप लोग अगर बैटरी 65 का अकाउंट बनाने के लिए अगर आप मुझे कमेंट में कमेंट करोगे तो मैं वो भी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। गुड बाय।